पहले तो बताओ कौन लाया ये चिप्स, पहले तो बताओ कौन लाया, तभी जभी तो खोलूँगा। आरुष बेटा, आरुष बेटा कौन लाया ये चिप्स? चाचा लाया। और ये आरुषी के लिए कौन लाया? ये भी चाचा ही लाए, कई सारे चिप्स लाया सब बच्चों के लिए। चिंकी गुड्डू को भी दे दिया। कौन सा चाचा लाए? अच्छा चिंकी को दिया बस। अच्छा कौन सा चाचा लाए, नाम तो बताओ। राजेंद्र चाचा के द्वारा पैसे आ रहे दिखे अब। यंदा नंदी भी खाने लगी क्या चिप्स? पूरी रे चिप्स खा रही, अटक जाएगा। बस 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 इसे ना दो, इसे ना दो। कहाँ जा भैया पीहू? हैं छत पे चले जान दे इसे। क्यों है दूध पीने लगी है तो? जा क्या कहा पीहू के लिए दूध लेके आओ। पीहू को भूख लग रही, पीहू दूध मांग रही है। आप कब जाओगे? कहाँ पे? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे? संडे को जाऊंगा। संडे को? संडे को जाऊंगा। पहले आरुषि का बर्थडे आएगा, फिर उसके बाद जाएंगे आरुषि का हैप्पी बर्थडे करके, है ना? मेरा बर्थडे कब का है? आपका बर्थडे 26 फरवरी को है। आपके बर्थडे में केक कौन लाएगा? अमित भैया। अमित भैया को टेंडर दे रखा, पैसे दे रखे अमित भैया को? पैसे आप दोगे? पैसे मैं दूंगा। कितने पैसे बतेरे रहेंगे? 100 रुपये। 100 रुपये बतेरे? 100 रुपये में हो जाएगा बर्थडे? सस्ता ही है फिर तो भाई। और ये हमारी आरुषि जो दिन भर इतनी शैतानी करती है, इतनी बोलती है, शाम के समय इसको गोद में सुलाना पड़ता है। बिस्तर पे लेट के नहीं सोएगी, कहेगी मम्मी गोद में लेके सुला दो। और उसी को गोद में लेके ऐसे इसकी पीठ थपथपानी पड़ती है तब ये सोती है। नंदनी इससे छोटी है लेकिन वो किसी के भी पास खेल लेती है, सो जाती है। और इसको सुलाना तो पड़ता है इसकी मम्मी को ही, लेकिन सोने के बाद फिर ये जाएगी माता जी के पास। इसकी रखवाली बहुत बड़ी है, रात को बहुत पलटे ले वे। हाँ, उल्टा पलटी करती है। माँ तो है कि ना जागती रहे वे। और हमें थोड़ा इतनी नहीं वो आवे। तुम थक लो काम में रात को, नींद आ गई और इसने पलटे लिए तो नीचे गिर जाएगी। और दूसरी बात, माँ जो इसे अपने पास लिटावे, दीवार की साइड लिटावे, दीवार में चारपाई लगा रखी और दीवार की तरफ इसे लुटावे, दूसरी तरफ अपने आप लटके हमारे बेड के जो डायरेक्शन देखो। हमारा बेड ये दोनों तीनों साइड से खुला हुआ है, इस पर अगर इसे लिटा दी तो ये 1-2 करोट लेते ही धड़ाम हो जाएगी। अब तो नंदिनी का डर लगता। एक तरफ तक नंदिनी के भी तरफ ये तकिए लगाएंगे, एक साइड में, एक साइड में खुद लेटेंगी। बल्कि उसके उसके ऊपर हाथ रख के सोना पड़ता है ताकि वो इधर उधर चले तो पता लग जाए। उठ के देखती है यहाँ खुलते ही पहले एकदम उठ जाएगी, देखो ही कोई लौट रहा है। लेकिन सुबह का उसका जो जागना है उसका तो किसी को पता ही नहीं चलता, अपने आप जाग के और करना शुरू कर देती है। सुबह के टाइम खेलने लगे अपने आप, अभी तो खेलने लगे जाके। उधर लगा है तो सो रहे, अभी उठने का टाइम नहीं होगा, अपने आप प्रेयर कर ले उठ के सुबह। आरुष और आरुषि की जो सोने की टाइमिंग है दोनों की बिल्कुल अपोजिट है। आरुषि तो शाम को जल्दी सोती है और सुबह को जल्दी जागती है, और आरुष शाम को देर से सोता है और सुबह को देर से ही जागता है। रात में 11-12 बजे तक सोएगा और सुबह को 8-9 बजे तक सोता रहेगा। और आरुषि देखिए इधर 8:30 बजा है और 8:30 बजे लगभग ये सो गई है। सो गई इतनी देर में, अभी बस 2-4 बार इसकी पीठ थपथपाई और ये सो गई। शाम को ये जल्दी सो जाती है, आज 8:30 बजा है, कभी इससे भी जल्दी सो जाती है, 7 बजे भी कभी कभी सो जाती है खाना वाना खा के। और सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे ये भी आ जाएगी। इधर नंदिनी खेलती रहेगी, उधर आरुषि भी जल्दी आ जाएगी। परसों तो ये बहुत सवेरे सो गई थी, खाना भी नहीं बना था शाम का,
और सुबह उठकर पूछ रही थी, मम्मी रात खाना नहीं बनाया था क्या? तो हमने कहा अगर तुमने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब खाना ही नहीं बनाया। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि प्रीति की और अपनी शादी के बारे में बताइए, क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शादी हमारी टोटली अरेंज थी, घर वालों की मर्जी से थी। हालांकि ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि एक्चुअली प्रीति की जो मम्मी हैं वे बबली भाभी जी की बुआ जी जरूर हैं, लेकिन कज़िन बुआ जी हैं। यानी कि प्रीति की मम्मी और बबली भाभी के पापा कज़िन ब्रदर सिस्टर हैं। तो कज़िन ज़रूर हैं लेकिन फैमिली उनकी एक ही है, और प्रेम भी आपस में बहुत अच्छा है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक ही परिवार है। तो ऐसा भी नहीं है कि बबली भाभी के परिवार में था तो हमारी कोई वहाँ लव मैरिज जैसी कोई बात चली हो, हम तो कभी देखा ना मिले। लेकिन एक किस्सा एक, है। एक किस्सा जरूर है जो शायद देखा जरूर होगा लेकिन वो इस तरह से नहीं देखा था और याद नहीं है, याद नहीं है। क्योंकि प्रीति शादी से पहले भी एक बार हमारे गांव में गांव में क्या हमारे घर में ही घूम के जा चुकी है। वो किस्सा भी इस तरह है कि प्रीति की बुआ जी का लड़का, उसकी शादी हमारे गांव में हुई है और बारात ही थी, और बारात भी रुकी थी हमारे इस घर में ही, क्योंकि उस समय तक हमारा ये घर नया बना था और यहाँ हम लोगों ने रहना शुरू नहीं किया था, और काफी बड़ा था, खाली खाली था ये घर हमारा, आगे सामने जगह भी खाली थी। और इनके बुआ जी के लड़के की जो बारात आई हुई थी वो भी हमारे परिवार में ही है। हालांकि ये रिश्तेदारी इसी तरह जुड़ती हैं कहीं कहीं पर, तो उन लोगों ने कहा कि आपका मकान खाली है, क्यों ना हमारी बारात रुकने की व्यवस्था करा दीजिए। तो हमारे इस मकान में बारात रुकी थी इनकी बुआ जी के लड़के की, और उस बारात में प्रीति और इनकी सिस्टर पूजा वो भी आई हुई थी, पापा गौरव मेरी भाई भाभी सब आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। और इस घर में ये शादी से पहले भी एक बार घूम के चली गई, हालांकि मेरी नज़र नहीं पड़ी है और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि इस तरह की कोई लड़की भी बारात में थी या नहीं। दरअसल 11th क्लास में थी तब मैं, शायद आप बी एड कर रहे हो मेरे पास। हाँ, तुमसे क्लास में तो आगे हुई मैं। तो ये किस्सा भी हम लोगों ने आपसे शेयर किया है कि प्रीति एक बार शादी से पहले भी हमारे घर में घूम के जा चुकी है, हालांकि वो दिन की बारात थी, सुबह आई थी और शाम तक लौट गई थी वापस। पूरी फैमिली थी हम, पूरे परिवार के साथ आई थी बारात में भी, पर ऐसा कुछ नहीं, ना हमने इन्हें देखा था ना ही इनसे मिले, ना कोई शादी वाली कोई बात उस समय चलती थी। बबली दीदी से मिले थे बस, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो मेरी बुआ की लड़की है। और दूसरी बात, जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय लव मैरिज जैसा कोई विचार अपने मन में था भी नहीं। तो हम लोगों की शादी में ऐसा नहीं है कि पहले लव हुआ था और बाद में शादी अरेंज हो गई, और पहले हमारी शादी अरेंज हुई है, लव लव शव तो जो कुछ हुआ है वो बाद में ही हुआ है। और इस बात का भी तभी पता लगा था कि मैं यहाँ पे आई हूँ जब हमारा रिश्ता हो गया, उसके बाद ये बात खुली थी, नहीं वहाँ मैं तो आकर जा चुकी हूँ, वहाँ पे अपनी ससुराल में घूम के आ चुके हैं, इस बात का बाद में पता लगा था। ऐसा कुछ नहीं कि पहले से हमारी कोई जान पहचान है या कुछ है, बस थोड़ा सा यही है कि बबली दीदी के परिवार वाले और हमारे मामा जी जो है उनकी जान पहचान है, यहाँ पर रिश्तेदारी है, तो उससे ही ये रिश्ता बन गया। रिश्ता बनने का की वजह भी ये थी कि जब प्रीति भाभी की सिस्टर की शादी थी बॉबी की, तो उस शादी में मैं भी गया हुआ था और प्रीति के मामा जी ने वहाँ मुझे देखा था। हम नहीं गए थे, प्रीति शादी में नहीं गई हुई थी, प्रीति के मामा जी ने वहाँ देखा था मुझे, और इनके पापा से बात की होगी कि एक लड़का हमने देखा है प्रीति के लिए, वहाँ से इस बात की शुरुआत भी हुई थी। बाद में बात आगे बढ़ी, रिश्ता तय हो गया, उसके बाद भी बिल्कुल पुराने रीति रिवाज से ही हमारी शादी हुई है, क्योंकि प्रीति के पास फ़ोन भी नहीं था, जो बात हो जाया करती बात भी हमारी चोरी छुपे हुआ करती थी, कभी प्रीति के पापा के फ़ोन से ही बात होती थी, कभी महीने में 20 दिन में 15 दिन में, शादी वैसे 3-4 महीने में तो ही। और हालात आज भी वही है, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, आज भी प्रीति के पास फ़ोन नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है, जब तक हमारी शादी हुई तो जान पहचान भी इतनी नहीं थी, हालांकि रिश्तेदारी हरीति कैसी है, इनके परिवार वाले कैसे हैं, शादी के दिन तक भी मेरे दिमाग में एक चीज़ तो जरूर
एक बात बार बार घूम रही थी कि पता नहीं लड़की कैसी होगी जिससे शादी होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो आजकल की लड़कियां जो होती हैं अपनी मर्जी से कहीं प्रेम करती हैं और शादी करने का विचार रखती हैं। तो मेरे मन में भी यही बात रहती थी कि कहीं ऐसी लड़की ना हो कि हेजिटेशन की वजह से अपने घर वालों को बता ना पाई हो, किसी और को पसंद करती हो, बाद में मेरे वैवाहिक जीवन में थोड़ा कुछ परेशानी आए। ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि पता नहीं शादी के बाद जीवन कैसा चलेगा। वैसे आप कुछ आप तो अच्छा खासा डांस कर रहे थे कुर्ते का। शादी में डांस जरूर कर रहा था लेकिन ये बात घूम घूम के आती थी दिमाग में, मतलब लगातार नहीं बनी रहती थी कि कभी कभी आती थी कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी और को पसंद करती हो प्रीति और बता ना पाई हो और शादी हमसे हो जाए, बाद में इस चक्की में हम भी पिस जाए। जैसा कि कई बार होता है अखबार वगैरह में हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ईश्वर की एक कृपा थी कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छे आदमियों को अच्छे ही लोग मिलते हैं, तो जैसे हमें वैसी प्रीति हमें मिली। जब हमने शादी के बाद ही एक दूसरे को जाना है, जब जाना पहचाना, तो उसके बाद प्रेम की भी अब कोई सीमा नहीं है। उसके बाद मैं प्रीति को बहुत लाइक करता हूँ। हालांकि प्रेम कहानी अभी शुरू हुई हुई है, कहाँ तक चलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन शादी के पहले प्रेम नहीं था, प्रेम हुआ है शादी के बाद ही, काफी टाइम बाद में। शादी के भी काफी टाइम बाद प्रेम हुआ है और कुछ महीने तक प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये प्रेम कहानी चलती रहे इसी तरह। कुछ मंथ तक तो असमंजस से मते कि कैसा है क्या हिसाब है, क्योंकि साथ में आपके मन में भी चलता था ऐसा क्योंकि साथ नहीं था। हाँ, शादी होते ही ड्यूटी पे जल्दी जाना पड़ गया था, छुट्टियां कम मिलती थी शुरू के साल में, अभी छुट्टियां कम ही मिली हैं, हालांकि लॉकडाउन में बस मिली हैं, और हर साल जून में जो हमारी छुट्टियां रहती है बस वही समय हमने लगातार साथ बिताया है, वरना तो बस ये आना जाना यही होता रहता है। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सब सुख शांति और खुशी रखे। जैसे लड़की खुश है इस समय, गीत गा रही है, कुछ कह रही है, इसी तरह खुशी हमारे परिवार में बनी रहे, भगवान सबको लंबी उम्र दे और ये प्रेम हमारा सालों साल चलता रहे। आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद की आकांक्षी मैं और प्रीति। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, इसके साथ अलविदा लेते हैं आप लोगों से।